तो ये हमारा चटपटे करेले और आलू की सूखी सब्जी बन के तैयार है। मैं राजीव और राजीव के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले और आलू की सूखी सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने एक करेला लिया है बड़े साइज का, जिसका कि वेट लगभग 200 ग्राम के आसपास होगा। इसे हमने अच्छे से धो लिया है और उसका ऊपर और नीचे वाला हिस्सा काट के निकाल देंगे। उसके बाद फिर इसे राउंड के शेप में काटेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हम सारे करेले को काट लेंगे। इसे ज़्यादा पतला हम नहीं रखेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा करेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसका बीज का जो बीज और गुदा है उसे निकाल लेंगे। इस प्रकार से आप करेले की सूखी सब्जी बनाएंगे इसके बीज वाले हिस्से को निकाल के, तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। तो बारी बारी से हमने सारे बीज और इसके गुदे को निकाल दिया है हमने। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने सारे करेले के बीज वाले भाग को निकाल दिया है और हमने दो मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे रफली चॉप किया है, और एक आलू लिया है बड़े साइज का, उसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। आप इस तरह से इस सब्जी को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें तेल डाला है और हम करेले को डालेंगे इसमें बिल्कुल तेल को हीट करके, ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हमने आधे करेले को भी डाला है, ये पहला बैच है इसका। तो कुछ इस प्रकार से हमारा करेला अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा ये सुनहरा कलर का आया है इसमें। दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से तल लेंगे। तो ये देखिए हमारा करेला अच्छे से तल चुका है। उसके बाद हम फिर आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसे बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाई फ्लेम पे भी अच्छे से पका सकते हैं, तल सकते हैं। तो ये हमारा आलू भी लगभग फ्राई हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और ये अच्छे से पक भी चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे। अब हम फ्राई पैन में थोड़ी सी तेल रखेंगे, बाकी तेल को निकाल लेंगे हम। और इसमें हमने तीन सूखी मिर्च डाला है। यहाँ पे हम थोड़ी सी मंगरेला ऐड करेंगे इसमें, बिल्कुल एक चुटकी के आसपास, और थोड़ी सी अजवाइन एक चुटकी के आसपास। और इन सारे खड़े मसाले को हम अच्छे से इसे भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा सुनहरा हो चुका है ये। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे, हमारा कटा हुआ प्याज, दो मीडियम साइज का हमने प्याज लिया था, और इसे अच्छे से मिला के इसे ढक देंगे। तो ढकने के बाद फिर एक से दो मिनट हम पकाएंगे,
और ढक्कन हम हटाएंगे तो फिर इसे हम चलाएंगे। इसे अच्छे से चलाने के बाद ये देखिए हमारा हल्का सा ये ब्राउन हो चुका है प्याज। तो अब हम यहाँ पे इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें। नमक डाल के हम इसे मिला लेंगे। उसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने आधी चम्मच से कम सारे मसाले को लिया है, जिसमें कि हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सब्जी मसाला हमने 1/4 चम्मच सारे मसाले को लिया है। आपको मसाला कम ज़्यादा पसंद हो तो उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और थोड़ी सी हम पानी यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि ये हमारा मसाला अच्छे से सेपरेट हो चुके हो सके। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से सेपरेट हो चुका है। 3 से 4 मिनट मसाले को भुनेंगे। तो अब बारी फ्राई आलू और फ्राई करेले को डालने की। तो इसे हम डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। ये देखने में बिल्कुल लजीज लग रहा है ना फ्रेंड्स, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो अब हम थोड़ी सी 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारा कितने अच्छे से मसाला सेपरेट हो चुका है। इसमें थोड़ी सी इसमें पानी यहाँ पे छोड़ा है। जो वाष्प होता है वाष्प इसमें गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इसमें नींबू ऐड करेंगे, नींबू का रस। इसमें आप चाहे तो नींबू के रस की जगह पे आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम थोड़ी सी गरम मसाला ऐड कर लेंगे इसमें और मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा करेले और आलू की सूखी सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल है ना देखने में लजीज। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म करेले और आलू की सूखी सब्जी बनके तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें प्यारा प्यारा कमेंट करके बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।